हेलो गाइस, मैं हूँ सुमेर सिंह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्तों, आज हमारे पास है ये 2023 न्यू मारुति इको स्टार, जो आज हम इसके अंदर इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। पूरा फुल एसेसरीज हम लोग इसमें इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, शोरूम से ये आपको सिंगल डेन सोनी का प्लेयर लगा के दिया हुआ है। ये वाला सिंगल डेन रहता है और यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम, और ये रहेगा आपका 9 इंच का। तो हम लोग इसमें इसका जो फ्रेम है, फ्रेम भी हम लोग इसमें कस्टमाइज़ करके लगाने वाले हैं। जैसे हम लोग कभी डायरेक्ट लगाते हैं तो एंड्रॉयड काफ़ी नीचे हो जाता है और काफ़ी दिखने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसका जो हम लोग जो फ्रेम है कस्टमाइज़ करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं मारुति इको का हमने जो हाफ़ डैशबोर्ड है, पूरा हाफ़ डैशबोर्ड ही खुल जाता है इसका सिस्टम के लिए। और हम लोग इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम लोग एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम लगाने वाले हैं। जो एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम लगाने वाले हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा ब्लॉकबस्टर का और ये है BBT 103 Pro। और इसमें आपको AHD कैमरा भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, और इसमें आपका फुल HD स्क्रीन रहती है, और आपको इसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन और आपको मिरर लिंक भी इसके अंदर हो जाता है। और इसकी बात करें तो 2 GB रैम, 32 GB स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिल जाता है। फर्स्ट आपको मैनुअल गाइडलाइन आपको इसमें देखने को मिल जाती है, इसमें क्या क्या फ्यूचर है, इसमें से आप पढ़ के आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं ये वाले BBT Pro को। और जैसे हम लोग कभी ओपन करते हैं बॉक्स, तो इसमें आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें आपको 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी मिल जाती है। इसमें ऑल ओवर इंडिया में इसके सर्विस आपको इसको कहीं पे भी आपको ये मिल जाता है। तो ये हमारा मेन हेड यूनिट है। और इसमें एसेसरीज़ क्या क्या देखने को मिलती है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको दो USB सॉकेट मिलता है, और ये आपको ये बेस ट्यूब चलाने के लिए सॉकेट है, और ये आपका मैप चलाने के लिए GPS एंटीना है, और ये आपका माइक है। और इसमें जो कैमरा कौन सा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको फिशसाई AHD वाइड एंगल कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। इसकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी रहती है इसकी वीडियो क्वालिटी। और ये इसकी कैमरे की पावर केबल है, ये आप देख सकते हैं। ग्लॉसी फिनिश में हमने इसका मारुति इको का हमने इसका जो एंड्रॉयड फ्रेम है वो हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो आफ्टर मार्केट में भी जो फ्रेम आता है वो फ्रेम काफ़ी सही नहीं रहता है, और जो हाइट जो इसकी जो नीचे से इतनी उठी हुई रहती है वो काफ़ी बढ़िया व्यू के लिए रहती है। और जो एंड्रॉयड में बिल्कुल फ्लैट रहता है, तो जैसे कोई कभी पीछे बैठे रहता है ना, तो पीछे वालों को एंड्रॉयड बिल्कुल भी वो दिखता ही नहीं है। तो इसको हमने क्या कि बिल्कुल नीचे से हमने इसको 4 इंच ऊपर कर दिया है, ताकि पीछे वाले को भी बिल्कुल क्लियर दिख सके, और जैसे ड्राइवर भी जैसे कभी ऑपरेट करे तो ये ड्राइवर को भी बिल्कुल क्लियर विज़न दिखे। और आप देख सकते हैं इसकी फिटमेंट की बात करें तो काफ़ी बढ़िया फिटमेंट है इसका, हमारी मारुति इको का, यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड का। और जैसे आप कभी गियर शिफ्टिंग करते हैं तो गियर शिफ्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, और ये काफ़ी दूर रहता है गियर शिफ्टिंग से। और ये हमारा IPS डिस्प्ले प्लस रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको गूगल मैप, गूगल प्ले स्टोर और ये यूट्यूब सब कुछ आपको इसमें इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, और ये आपका यूट्यूब भी आपका प्ले हो जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं। और काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है हमारी मारुति इको का डैशबोर्ड का, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और इसमें आपको फुल HD में वीडियो आपको देखने को मिल जाता है। और जैसे आप कभी बैक गियर में करते हैं तो ये आपका AHD कैमरा आपका ये बिल्कुल ऑन हो जाता है, जैसे आप कभी बैक गियर डालोगे तो वैसे ही आपका ये बैक कैमरा ऑन हो जाता है, और आपकी वीडियो पॉज हो जाती है। और आप देख सकते हैं हमारे मारुति इको का काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड का, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो जाती है। और जैसे कभी ब्रेकर भी कूदता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी जो फिटिंग हो जाती है। और इसमें हमने इंस्टॉल किया हुआ है मारुति इको लिखा हुआ LED फ्रंट ग्रिल, और यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें हमने किया हुआ है क्रोम आइटम, व्हील कैप और आपका लगेज कैरियर, यहाँ पे देख सकते हैं। तो व्हील कैप की बात करें तो ये आपको फुल सिल्वर में भी मिल जाता है, और हमारे पास डबल कलर में व्हील कैप भी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, और हमारे पास 50 तरह के हमारे पास व्हील कैप में डिज़ाइन अवेलेबल हो जाती है।
और इसका रियर ABS स्पॉइलर लगाया हुआ है और रियर बम्पर गार्ड, और वो भी हमारा SS का है रियर बम्पर गार्ड। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, ये है हमारी मारुति इको की LED फ्रंट ग्रिल। इसमें भी हमने विदाउट वायरिंग कटिंग कनेक्शन किया हुआ है, क्योंकि कोई सी भी गाड़ी की हम लोग वायरिंग कटिंग नहीं करते। और ये हमारा रेनबो कलर में है, ये हमारा फोग लैम्प। ये फोग लैम्प में आपको 55 वॉट का आपको इसमें बल्ब देखने को मिल जाता है फोग लैम्प के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने कभी हेडलाइट का फर्स्ट पॉइंट ऑन करते हैं तो आपकी ये LED फ्रंट ग्रिल ऑन हो जाती है, वो रात में काफ़ी 3D लुक आता है। यहाँ पे देख सकते हैं मारुति इको का, और काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है हमारे मारुति इको का ये LED फ्रंट ग्रिल का। और ये स्विच का, ये जो फोग लैम्प का हमने अलग से ये स्विच दिया हुआ है, जैसे आप कभी ऑन करते हैं तो इसमें आपकी ये फोग लैम्प ऑन हो जाती है। बाकी आप देख सकते हैं रोशनी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया रोशनी है। जैसे आप कभी हेडलाइट बंद करके भी चलाते हैं और सिर्फ आप फोग लैम्प पे भी चलाते हैं तो इसमें आपको रोशनी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हमारा जो फोग लैम्प है, इसमें आपको लेंस फोग लैम्प आपको देखने को मिल जाता है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से ये फोग लैम्प आपको येलो लाइट में आपको देखने को मिल जाता है, और काफ़ी प्यारा फिटिंग हो जाती है। बाकी ये लगेज कैरियर की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा SS का पूरा फुल SS का लगेज कैरियर है, और फिटिंग की बात करें तो काफ़ी बढ़िया फिटिंग हो जाती है इसकी, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें आप कभी फुल लगेज कैरियर चाहते हैं तो फुल लगेज कैरियर भी आपको देखने को मिल जाएगा, और कभी उसकी वीडियो आप कभी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेंशन कर दूंगा, उसमें से जाके आप देख सकते हैं। और बाकी ये जो बॉडी कलर में ये है हमारा स्पॉइलर है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये भी हमारा ABS स्पॉइलर रहता है, और ये 2-way टेप और क्लेम के द्वारा ये फिटिंग हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप कभी ब्रेक दबाते हैं तो इसमें भी आपकी रेड लाइट ऑन हो जाती है, जैसे कभी आप कभी स्पीड में हो और जैसे आप कभी एकदम से ब्रेक मारते हैं तो पीछे वाली जो गाड़ी है उसको आसानी से दिख जाए। और ये हमारा SS का है ये रियर बम्पर, आप देख सकते हैं। इसकी जो फिटिंग की बात करें तो फिटिंग हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लेम टू क्लेम किया हुआ है, बाकी हमने कोई इसके अंदर गाड़ी के अंदर हमने कोई इसमें कोई होल नहीं किया चेचिस में, और ना ही हमने कोई इसमें वेल्डिंग का टाका लगाया हुआ है, काफ़ी बढ़िया तरीके से फिटिंग हो जाती है। बाकी जगह जैसे आप जाते हैं तो वहाँ पर सीधे रख के और वो चेचिस पे वेल्डिंग कर देते हैं, तो वो चीज़ हम लोग नहीं करते, बिल्कुल प्रॉपर वाइज हम लोग काम करते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं इसका काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है हमारी मारुति इको का। पूरी फुल एसेसरीज में इसमें हमने पूरी फुल एसेसरीज इंस्टॉलेशन की हुई है, ये हमने LED फ्रंट ग्रिल, फोग लैम्प, और ये हमारा लगेज कैरियर हुआ, और ये आप देख सकते हैं इसमें क्रोम आइटम भी हमने इसमें इंस्टॉल की हुई है, क्रोम आइटम भी हो जाती है, हेडलाइट क्रोम, या आपका व्हील कैप, या यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हैंडल क्रोम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पेस्ट हो जाता है। बाकी जैसे आप कभी लोकल करवाते हैं तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पेस्ट नहीं होती है। और ये हमारा ABS स्पॉइलर।